हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा जैसे कि फ़िल्टर फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है। फ़िल्टर फार्मूला के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास कुछ लिस्ट है, जैसे कि ये सब नाम है और ये कौन सा डिपार्टमेंट में है उसका ये नाम, मतलब पोस्ट का एक तरह से नाम है ये। IT है, HRM में है, अकाउंट्स में है, जिसमें भी IT में है या HRA और अकाउंट में, जिस डिपार्टमेंट में है वो, तो वो सब एक मिक्स में है और सबको मुझे अलग अलग करना है। तो कैसे हम सबको अलग अलग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपको लिख लेना है बिल्कुल सेम। IT है तो यहाँ पर IT और HRA है HRA, और यहाँ पर मैं सबको अलग अलग करने वाला हूँ। IT वाले अलग बंदे हो जाएंगे, HRA वाले अलग अलग कॉलम बन जाएगा, और जो अकाउंट्स वाले का सबका अलग अलग हो जाएगा। सबके पहले आपको क्या करना है, फिल्टर फार्मूला का यूज करने के लिए FILTER फिल्टर लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, नेम वाले कॉलम को आपको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और F4 से फिक्स कर देना है। इसे फिक्स करने के बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद फिर पोस्ट जो भी है उसका उस पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और पोस्ट वाले कॉलम को, और इसके बाद इसमें भी F4 हमने फिक्स कर दिया इसको सेल को। इसके बाद आपको इक्वल लगा करके और इस ऊपर जो है, जो उसके जस्ट ऊपर IT वाले हम बंदे को निकालना चाहते हैं पहले, तो इस पर क्लिक करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे। एंटर मारते ही जितने भी हमारे पास ये होगा IT का, देखिए राहुल नीरज, राहुल राहुल सिंह, राहुल को यादव है, मनीष, सबका ये आ गया IT इसमें से। इसके बाद आगे भी आपको करना है तो सिर्फ यहाँ से ऐसे करके आप यहाँ तक सेलेक्ट कर ले तो अपने आप ये आ गया सबका। HR वाला बंदा ये आ गया और IT वाला और ये अकाउंट्स वाले हैं, अकाउंट्स, IT, HRA। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए ना आप मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें हमारे वीडियो को। धन्यवाद आपका।